बिलासपुर जिला में आउट ऑफ कंट्रोल हुए डेंगू के हर दिन बढ़ रहे मामलों और स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर चिंतित कांग्रेस ने राज्य व केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि पिछले दिन तक जिला में डेंगू के 621 मामले सामने आ चुके हैं और विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट में समय रहते कंट्रोल न होने पर अगले 10 सालों तक डेंगू का प्रकोप बिलासपुर में रहने की संभावना व्यक्त की है। इससे साफ है कि आने वाले समय में डेंगू के भयावह परिणाम सामने देखने को आएंगे, जिसके लिए राज्य की तत्कालीन सरकार जिम्मेदार है और उसको ठोस कदम उठाने चाहिए। जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से भी अपने गृह जिला की ओर ध्यान देने का उन्होंने आग्रह किया है। बिलासपुर के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता करते हुए नैना देवी के विधायक और पार्टी के महासचिव रामलाल ठाकुर ने कहा कि डेंगू के साथ डायरिया का प्रकोप भी बढ़ गया है। पिछले दिनों 23 मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंच चुके हैं। विडंबना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला में 4 लाख की आबादी है और महज 63 डॉक्टर ही सेवारत हैं। स्वास्थ्य संस्थाओं में डॉक्टरों के रिक्त पदों का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि नैना देवी हल्के की बात करें तो नम्होल PHC में 2 पद डॉक्टरों के सृजित हैं, लेकिन वर्तमान में कार्यरत एकमात्र डॉक्टर का तबादला भी झंडूता कर दिया गया है। PHC सलोहा भड़ेतर में कोई डॉक्टर नहीं है। मलोखर PHC में कार्यरत डॉक्टर को मारकंडे CHC के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया है। दियोत PHC में हालांकि एक डॉक्टर कार्यरत है, लेकिन स्वारघाट CHC में सर्जित 2 में से कोई भी डॉक्टर ना होने के चलते प्रतिनियुक्ति पर दियोत से डॉक्टर भेजा गया है। रामलाल ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार से तत्काल प्रभाव से बिलासपुर में फैले डेंगू को कंट्रोल करने के लिए ठोस कदम उठाने के साथ ही रिक्त पड़े डॉक्टरों के पद भरने का आग्रह किया है। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से भी बिलासपुर में डेंगू की पैदा हो रही भयावह स्थिति पर काबू पाने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो कांग्रेस को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अखबारों में आ रहा है कि बिलासपुर में जो डेंगू की प्रॉब्लम है उसके ऊपर स्वास्थ्य विभाग ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। CMO का और ये जो कमेटी बनी है उसके ऊपर स्वास्थ्य विभाग की, उनका बयान अखबारों में आया है कि ये जो डेंगू का रोग है बिलासपुर में आने वाले 10 सालों तक भी उसके ऊपर जो है ना कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये मैं कहूंगा इस प्रकार की बयानबाजी लोगों का जो इम्प्रेशन लोगों में जाता है स्वास्थ्य विभाग के बारे में, ये बड़ा गलत जा रहा है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो यहां पे बिलासपुर में 621 केस जो है वो डेंगू के जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं, और उसके साथ साथ डेंगू के साथ साथ यहां पे जो है ये पिछले कल डायरिया के केस भी आए। 23 केस पिछले कल थे और 6 केस आज मुझे पता लगा है, सुबह से लेके 6 केस नए आए हैं। तो इस प्रकार के जो बीमारी है वो एक पर्टिकुलर एरिया में होना, इससे मैं कहूँगा कि ये बड़ा दुख का विषय है। आज हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो हाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग के पास माकूल डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर जो है वो बिलासपुर में अगर देखा जाए तो स्पेशलिस्ट नहीं है। आज डेंगू के बारे में जो है लोगों को कभी शिमला को रेफर किया जा रहा है, 2 मौतें हो गई, और इसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है।